दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शैलेश मटियानी जी पर लिखा गया संस्मरण, प्रकाश मनु जी ने लिखा है। इस संस्मरण का शीर्षक है शैलेश मटियानी संघर्षों की आंच में तपा हिंदी कवि अद्भुत कथाकार। अगर हम प्रकाश मनु जी की शब्दावली में ही या उनके शब्दों को उधार लेते हुए कहें, मिलते ही ऐसा लगा कि इनके साथ पुराना संबंध रहा है। इन दोनों के बीच दोस्ती कुछ यूं शुरू हुई, या यूं कहें कि मिलना कुछ यूं हुआ। हंस के कार्यालय में पहली मुलाकात होती है और मिलते ही राजेंद्र यादव जी ने प्रकाश मनु जी का परिचय शैलेश मटियानी से कुछ यूं करवाया। आप जानते हैं इन्हें, ये हैं शैलेश मटियानी। इतनी बात के बाद दोनों के बीच जो बातचीत चल रही थी, यानी राजेंद्र यादव और शैलेश मटियानी जी के बीच, उसको सुनते रहे, लेकिन इन बातों का प्रकाश मनु जी पर बहुत गहरा असर हुआ। ऐसा लगा कि जो बात हो रही है और जो दोनों बात करने वाले हैं वो बहुत पहुंचे हुए लोग। किससे कहानियों वाला पोट, अद्भुत रस का मेल और इतनी मजेदार बातें, ऐसा लगा कि सब कुछ पहली बार सुन रहा हूं। बातों बातों में मटियानी जी ने पूछा कि आप कहाँ हैं, मतलब आप क्या करते हैं। प्रकाश मनु जी ने बताया कि मैं हिंदुस्तान टाइम्स की पत्रिका नंदन में काम करता हूँ। बोले, मैं कभी आऊंगा। कई दिनों के बाद एक लहीम सहीम व्यक्तित्व नंदन पत्रिका में प्रकाश मनु जी से मिलने के लिए पहुंच जाता है। इस बात की उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शैलेश मटियानी जैसा बड़ा कथाकार उनसे मिलने के लिए आएगा। इस मिलने में जहां एक से बढ़कर एक किस्से और कहानियां सुनने को मिल रहे थे प्रकाश मनु जी को, वही दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था कि वो कौन सी बातें हैं कि जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बातें कुछ यूं इस अंदाज में चली कि समय का ख्याल नहीं रहा। समय इतना हो गया कि घर जाने वाली जो ट्रेन थी उसका भी समय निकल गया, फिर कैसे घर पहुंचे इसकी अलग कहानी। ये हुई पहली मुलाकात, यानी जब विधिवत मुलाकात हुई। दूसरी मुलाकात वो भी हुई नंदन पत्रिका के कार्यालय में। तो तब भी बातों के साथ साथ चाय की चुस्कियां जल रही थी और एक से बढ़कर एक किस्से मटियानी जी सुना रहे थे। जहां कहीं पर इलाहाबाद के किस्से थे तो कहीं पर मुंबई के किस्से थे, तो कहीं पर कुछ साहित्य की जो सहमतियां असहमतियां और कुछ और भी बातें थी। उस दिन जब बातों का सिलसिला कुछ लंबा चलने लगा तो वहां का चपरासी आया और कहा, साहब आप हमें अपना काम करने दें और आप अपना काम करें। कहने का मतलब ये था कि समय हो चुका है, कार्यालय बंद करने का समय है, तो इसलिए अब आप समझ जाइए कहने का मतलब है। दोनों लोग कैंटीन पहुंचते हैं, चाय के दौर चलता है क्योंकि कैंटीन में कोई समय नहीं था, आप आराम से बैठ सकते थे, लेकिन फिर भी दिन के अस्त होने का, रात के आने का समय तो हो ही रहा था। तो धीरे धीरे बातों का सिलसिला समेटा गया और फिर वहां से अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। इस मिलने में और चलने में कहीं भी मन साथ नहीं देता, यानी सब कुछ बेमन से किया जाता है। मतलब बेमन से ऑफिस छोड़ना पड़ा, बेमन से मटियानी जी को छोड़कर जाना पड़ा और बेमन से प्रकाश मनु जी को भी बातों का वो सिलसिला वहीं रोकना पड़ा। अब ये जो बेमन है, साहित्य की दुनिया में इस बेमन का बड़ा मतलब है। जब बहुत सारी बातें मन से की जाती है तो वो एक तरह से गणित हो जाती है, जहां पर हम मन से सब कुछ सोच विचार कर करते हैं। साहित्य में बहुत कुछ अनायास होता है, यानी जो हम नहीं चाहते वो अपने आप से हो जाता है। इसके बाद मुलाकातें थोड़ा जल्दी जल्दी होने लगी और इन मुलाकातों में जो पहेलियां थी मटियानी जी को लेकर के प्रकाश मनु जी के दिमाग में, वो खुलने लगी और पता चलने लगा कि इस इतने बड़े कथाकार के साथ जो कुछ हिंदी साहित्य में धारणाएं बनाई गई हैं उनके पीछे की कहानियां क्या है। इसी बीच प्रकाश मनु जी ने दो लंबे इंटरव्यूज लिए थे, एक था रामविलास शर्मा का और दूसरा था कमलेश्वर जी का। इन दोनों इंटरव्यूज को पढ़कर के मटियानी जी पर असर इस तरह से हुआ, उनको लगा कि इससे बेहतर इंटरव्यूज हिंदी साहित्य में किसी और ने नहीं लिए। तो उनकी पहली ख्वाहिश यह थी कि प्रकाश मनु तुम मेरा इंटरव्यू लो और मैं इसके लिए तुम्हारे यहां एक हफ्ते तक रुकूंगा। प्रकाश मनु जी को लगा कि शैलेश मटियानी उनसे कह रहे कि तुम मेरा इंटरव्यू लो,
जबकि हालात ऐसे थे कि मटियानी जी उस समय घोर आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहे थे, आर्थिक अभावों का दौर चल रहा था। मटियानी जी ने कहा कि एक बार कमलेश्वर ने सारिका पत्रिका के लिए एक लोगों को भेजा था इंटरव्यू लेने के लिए। वे भले सज्जन थे, मेरे घर बहुत दिन डेरा डाले रहे, यानी वो आए पर इंटरव्यू देने का मूड नहीं बना। और मैंने तुम्हारे इंटरव्यू पढ़े हैं, तुम बहुत अच्छा इंटरव्यू लेते हो, थोड़ी फुर्सत मिले तो मैं एक हफ्ता में तुम्हारे घर रहूंगा, 7 दिन में रहूंगा और 7 विषयों पर अलग अलग बात करूंगा। बात तो रोचक थी क्योंकि एक दिन एक विषय पर पूरा दिन बात हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि जो इंटरव्यू लिया जाएगा उसको बाद में किताब के रूप में प्रकाशित किया जाएगा, लेकिन रॉयल्टी आधी आधी होगी। मतलब खुद शैलेश मटियानी आर्थिक अभावों से गुजर रहे थे, लेकिन ईमानदारी ये थी कि जो किताब छपेगी उसमें रॉयल्टी में जो हिस्सा है वो बराबर का रहेगा। अब ये एक बड़े कथाकार के द्वारा कही गई बात है कि आज के दौर में जब हम रॉयल्टी के लिए खुद प्रकाशक कितने ईमानदार हैं और रचनाकार कितने ईमानदार हैं, इसको भी समझा जा सकता है। लेकिन संयोग बन नहीं पा रहा था कि इंटरव्यू कैसे लिया जाए, तो प्रकाश होमू जी ने एक तरीका निकाला कि जब भी उनसे मुलाकात होती तो चुपचाप उनकी बातें रिकॉर्ड करने लगी। धीरे धीरे बात बनने लगी, यानी इंटरव्यू का ये तरीका सिलसिला चलने लगा। बातचीत रिकॉर्ड होती, कई कई बार सुनी जाती और सुन करके ऐसा लगता है कि एक बार फिर से मटियानी जी के साथ जीने का, उनके साथ होने का एहसास बार बार करते। मटियानी जी मिलने पर ऐसा लगता है कि बहुत कुछ कह देना चाहते हैं, और इस तरह कह देना चाहते हैं, उनको लगता है कि जो कुछ मैं कह दूंगा वो सब कुछ साहित्य में बचा रह जाएगा, नहीं तो मेरे साथ ही वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। किससे वो पहाड़ की कहानियां, वो छोटी छोटी बातें, तो वो इतनी बेचैनी थी कहने की कि जैसे एक बात के बाद दूसरी बात, दूसरी के बाद तीसरी बात, सिलसिला अनवरत चल रहा था। प्रकाश मुनु जी ने अंदाजा लगाया कि इतने संघर्षों के बीच, जहां पर इतने किस्से कहानियां, इतने आर्थिक हालातों की कहानियां हैं, उसमें एक सामान्य, ये यूं कहें एक असामान्य, यानी एक बड़ा रचनाकार अपने आप को कैसे इस दुनिया में बचाए रखता है, जहां पर इतनी दुर्लभ संधियां चल रही हों, जहां पर एक बार उनको नौकरी से निकाला जाता है इसके बाद लोग सोचते हैं कि अब शैलेश मटियानी कैसे जीवित रहेंगे, जहां पर समझौते नहीं किए जा रहे हैं लेकिन फिर भी लिखने की जिद है। प्रकाश मनु जी ने पूछ लिया कि आप जिंदा कैसे रहे, जो जवाब दिया वो गौर करने लायक है। मनु, मैं जीवित कैसे हूं ये खुद मेरे समझ में नहीं आता, कायदे से जो परिस्थितियां हैं उनमें मुझे जीवित नहीं होना चाहिए था। ये एक हताशा भरा वाक्य नहीं है, बल्कि जीवन में जो कुछ मिला हुआ है उसका एक तरह से एक निचोड़ है कि इस साहित्य ने, जिसके लिए मैंने सारे समझौते किए, जिंदगी की सुख सुविधाओं तक का ख्याल नहीं रखा, उसके बाद भी मुझे ये सब मिला हुआ। एक के बाद एक घटनाएं होती हैं, फिर भी वो लगातार लिखते चले जा रहे थे। इन घटनाओं में सबसे जो दर्दनाक घटना थी वो थी उनके बेटे की क्रूरतापूर्ण हत्या। हिंदी साहित्य में ऐसी कहानियां कम लिखी गई हैं, ऐसे साहित्यकार कम हैं कि जिनके जीवन में घटी हुई घटनाएं, उनका जो असर है उनके साहित्य पर किसी न किसी रूप में न पड़ा हो। आप चाहे निराला को उठा लें, एक कहानीकार देवेंद्र हैं, उन्होंने अपने बेटे पर एक कहानी लिखी क्षमा करो हे वत्स, या और भी किसी को उठा लें, वो घटनाएं असर डालती हैं। लेकिन मटियानी जी की अगर हम जीवन को जोड़कर देखें तो जब हत्या हुई उसके बाद उन्होंने कहानी लिखी अर्धांगिनी, वो कहानी पूरी प्रेम से सराबोर कहानी है। और उस कहानी के बारे में कहते कि जिस तरह के हालात में थे उन हालातों से निकलने के लिए मैंने कहानी लिखी। आप सोच करके देखिए कि जो रचनाकार इतने दुखों को झेल रहा है उसके जीवन में कितना प्रेम है कि वो अपने साहित्य में
उसी प्रेम को बस लिखना चाहता है, उसी प्रेम को आपसे कहना चाहता है। इसके बाद जो घटनाएं प्रकाश मनु जी को सुनने को मिलती हैं, वो बहुत दिल को ठेस पहुंचाने वाली है। पता चला कि मटियानी जी विक्षिप्त हो गए हैं और इस विक्षिप्तता में क्या क्या किस्से उनके बारे में नहीं सुने और सुनाए गए। इसी बीच उनका इधर फोन आता है, मनु मैं मटियानी बोल रहा हूं, ये बात 3 अक्टूबर 1996 की है। 1.25 साल के बाद लगभग फोन आया था, मटियानी जी का वही लहजा था, मनु मैं मटियानी बोल रहा हूं। इस वाक्य को सुनते ही अजीब सा लगा कि ये शायद मटियानी जी नहीं। अरे मटियानी जी, आप मटियानी जी ठीक है ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा था मटियानी कैसे हो सकते, उनके बारे में तो यह हुआ और न जाने क्या क्या कहा जा रहा है, तो फिर डरते डरते उनसे मिलने गया। बातचीत या व्यवहार में मुझे कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं महसूस हुई जो उनके बारे में कही जा रही थी, न कहीं स्मृति लोप, न भाषा की असावधानी, न किसी तरह की असामान्यता। पता चला कि पिछले 1 महीने से इलाज के लिए वे गोविंद वल्लभ पंत हॉस्पिटल में। बातचीत में उन्होंने बारीक विवरण के साथ 1.25 साल की यातनाओं का पूरा वृत्तांत कह सुनाया कि क्या कुछ बीता हुआ है। इतना दर्दनाक और एक साथ ही इतना मुकम्मल था कि मैं पूरा हिल गया, यानी जहां आस्थाओं पर आपका विश्वास होने लगे। इसके बाद कई मुलाकातें उसी अस्पताल में हुई। अपनी गहरी मानसिक यातनाओं के बावजूद वो हर बार सजग और सचेत लगे। प्रकाश मनु जी के आग्रह पर डायरी लिखने लगे थे और डायरी के कुछ हिस्से भी उन्होंने सुनाए। इधर उन्होंने कहा कि प्रकाश मनु हल्द्वानी आओ और चाहो तो अब तुम वह इंटरव्यू ले सकते हो, यानी जो मैंने आपसे पहले कहा। यानी इतनी सारी यातनाओं के बावजूद उनके दिमाग में वो बात कहीं अटक गई है कि प्रकाश मनु अगर उनका इंटरव्यू ले लेंगे तो बहुत कुछ साहित्य में बचा रह जाएगा, या उनका जो सोचने और समझने का जो नजरिया है वो लोगों को पता चलेगा। बात जब चली तो ये हुआ कि तुम चाहो तो वैसे इंटरव्यू अस्पताल में भी ले सकते हो। मिलते मिलाते ये बात तय हुई कि 3 लोग मिलकर इंटरव्यू लेंगे। ये बात 3 नवंबर 1996 की है। 3 लोगों में से थे शैलेंद्र चौहान और प्रकाश मनु जी और रमेश तैलंग जी। लेकिन तीनों लोग डरे हुए थे कि पता नहीं मटियानी जी कहीं असहज या उत्तेजित ना हो जाए सवालों को सुन करके, क्योंकि ये इंटरव्यू बहुत अनौपचारिक ढंग से लिया जाना था। इंटरव्यू के दौरान ये लगा कि कहीं न कोई हिचकिचाहट है, न कहीं नर्वसनेस है, सब कुछ इतनी सामान्य ढंग से हो रहा था कि 4 घंटे तो निकल गए लेकिन पता नहीं चला। कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जो नहीं पूछने का उन्होंने इरादा किया था, लेकिन बातों के इस सिलसिले में वो सवाल ही पूछ लिए गए। बातचीत की शुरुआत उनकी लेखन यात्रा से हुई और मटियानी जी को कहानियां लिखते लिखते 4 दशक यानी 40 साल होने वाले थे। उन्होंने सवाल किया है कि अपने लेखन से वे कितने संतुष्ट हैं और कितने असंतुष्ट हैं, और इस लंबी कथा यात्रा के बाद वो कैसा महसूस करते हैं। सवाल सुनकर मटियानी जी के चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट नजर आई और यही हिचकिचाहट उनके स्वर में भी थी। उन्होंने इस बातचीत को आगे डालने के लिए कहा, मनु एक लंबी और हौलनाक बीमारी के बाद इसमें अकथनीय यंत्रणा और तकलीफें मैंने सही हैं, आपके सवाल का जवाब देना मुझे मुश्किल लग रहा है। उनका वाक्य बीच में टूट गया। अब एक अजीब सी पेशकश हुई कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप दो सवाल मुझे लिखकर दे दें और मैं उनके जवाब लिखकर दे दूंगा। अब ये बात मटियानी जी के लिए और रमेश तैलंग जी के लिए, शैलेंद्र चौहान के लिए थोड़ी सी अलग ढंग की थी, क्योंकि इंटरव्यू का इरादा इस तरह का नहीं था। बात बदल करके कुछ इस अंदाज में कहा गया, अच्छा मटियानी जी, आप यही समझ लें कि इंटरव्यू तो यूं ही हो रहा है, आपसे नहीं बनेगा तो इसे आप निरस्त समझिए और फिर आप वाला ढंग ही अपना लेंगे। मटियानी इस पर तैयार हो गए। अच्छा मटियानी जी, एक बात बताएं, जो सवाल आपसे पूछा है कि आप अपने लेखन से कितने संतुष्ट कितने असंतुष्ट हैं, अगर इस सवाल कुछ साल पहले आपसे पूछा जाता तो? मटियानी जी ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले,
हो सकता है कि तब यानी आज से 5-6 साल पहले मैं इसका जवाब दे पाता, लेकिन अब अचानक इतना कुछ बिखर गया है मनु, मेरे मानसिक कष्ट और बीमारी तो है ही, घरेलू परेशानियां भी इतनी हैं कि लगता नहीं है कि अब इस भंवर से कभी निकल पाऊंगा। आपको बताऊं, कभी कभी लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई अनिष्टकारी व्यक्तित्व और मैं बचूंगा नहीं। पहले भी शायद दो एक बार मैंने आपको बताया है, जब मैं बीमार नहीं था तब भी यही हालत थी, और बीमारी के दौरान तो हर दिन यही लगता था कि यह मेरा अंतिम दिन है और अब बचना नहीं। मन सचमुच मुझे समझ में नहीं आता कि मैं जीवित कैसे हूँ, जो मेरे हालात और परिस्थितियां हैं उनमें मुझे कायदे से जीवित नहीं होना चाहिए था। यानी बीमारी के कारण ही आपकी यह हालत नहीं है, आप पिछले काफी समय से ऐसा महसूस कर रहे हैं, मैंने पूछा। बताने लगे कि जो त्रासदी मैं लेखक के रूप में महसूस करता हूँ, कहीं न कहीं ये उसी की परिणति है, और यह मैं अभी नहीं शुरू से महसूस करता आ रहा हूँ। ये अलग बात है कि व्यक्तिगत यंत्रणाएं या पारिवारिक समस्याएं कितनी ही ज्यादा क्यों न रही हूँ, इससे मेरे लिखने में कोई दिक्कत पहले कभी नहीं आई। मैंने खराब से खराब हालात में भी लिखा, लेकिन इधर पिछले 5-6 सालों से असलियत यह है कि मैं कुछ भी लिख सकने की हालत में नहीं रहा। कहानियां लिखना और निबंध लिखना या लेख लिखने में अंतर है। कहानियां मैं लिखता हूँ दिल से, और निबंध और लेख में लिखता हूँ दिमाग से। कहानी में मुझे डूबना पड़ता है और निबंध तो ऐसे लिखे जाते हैं। इसका मतलब क्या था कि एक रचनाकार की जो त्रासदी है उसको भी समझना है कि रचना में जब तक डूबना नहीं है, जब तक उसके साथ बातचीत नहीं होनी है, तब तक रचना अपना पूरा आकार या लिखी नहीं जाती। इस वीडियो से पहले आपने देवेन मेवाड़ी जी का वीडियो सुना होगा, तो उसमें भी वो बात कहते हैं कि एक दिन वो पैर दबा रहे थे, उनके कमरे पर आए थे और फिल्म की पूरी कहानी पात्रों के साथ उसके गीत सब कुछ सुना रहे थे। इसका मतलब क्या था कि रचना में वो चाहे फिल्म हो, चाहे अपनी कहानियां हो, उपन्यास हो, वो गहरे तक डूबते थे, जहां पर सारी बातें सारे पात्र उनसे बोलते और बताते हुए लगते हैं। और इसका जवाब कहते हैं कि मनु, इधर मेरे न लिख पाने की जो समस्या है वह वही है जिसका जिक्र मैंने परसों पहले अपने निबंध लेखक की हैसियत में किया था। इसलिए अब लिखने या न लिखने का जो तर्क है वह मुझे कहीं अपने भीतर से खोजना होगा। हालांकि यही एक बात मुझे और कहनी है, किसी को भले ही विचित्र लगे पर यह सच है कि जीवन की जो भी विडंबनाएं हैं, चाहे व्यक्ति की हैसियत से या लेखक की हैसियत से, उनका सामना करने का भी सिवाय लिखने के मेरे लिए कोई दूसरा उपचार नहीं है। मुझे लिखना आता है तो मैं लिख ही सकता हूँ, लिखने के सिवा तो कुछ और नहीं कर सकता। और ये बात घोर आर्थिक संकटों के समय भी मुझे भरोसा देती रही। मान लीजिए जेब में थोड़े से ही पैसे हैं और उसे सब्जी लेकर आ गया, जेब खाली हो गई तो सब्जी वाले पर कहानी लिखी और फिर जेब में 4 पैसे आ गए। ऐसे घर में एक बार बिल्ली पाली, वह बहुत दूध पी जाती थी। बिल्ली को लेकर के मालकिन ने बहुत गुस्सा किया। आपको यकीन नहीं आएगा, बिल्ली पर ही कहानी लिखी थी और उससे काफी अच्छे पैसे मिले थे। कहते कहते मंडियानी जी हंसने लगे, ऐसी हंसी जिसमें निश्चलता है, जो मुक्त हंसी है, जिसमें कहीं भी कोई दुखी छाया नहीं। बोले, मैं तो लेखक हूं, जिस चीज पर खर्च करूंगा वहीं से कहानी भी निकाल लूंगा और पेट भरने के लिए 4 पैसों का जुगाड़ भी कर लूंगा। ये थी निश्चलता, ये थी एक साहित्यकार के जीवन की एक झलकी कि जहां पर हम उसके व्यक्तित्व का जो एक बड़पन है वो हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। आगे बोलते हैं, कहते हैं कि जब मैंने मुंबई की हमारी नौकरी छूट गई तो वहां एक छोटी सी चाट की दुकान पर नौकरी करने लगा था। विभाग से नंद किशोर मित्तल ने आकर पूछा, अब क्या करोगे? इस पर मेरा जवाब था, खेती करूंगा। वह हैरान थी, मुंबई में तुम्हें इतनी जमीन कहाँ मिल जाएगी खेती करने के लिए? तो इस पर मैंने जवाब दिया कि मैं जमीन पर नहीं, कागज पर खेती करूंगा, वही अब तक करता भी आ रहा हूँ। मनु, अब आगे का तो कह नहीं सकता। इन सारी बातों के बीच कई बातें और भी चल रही थी जो साहित्य से इतर प्रसंग भी थे, लेकिन मैं साहित्य के प्रसंग तक ही आपको सीमित रखूंगा।
एक लंबा अरसा हो चुका था प्रकाश मनु जी के साथ शैलेश मटियानी जी की बातचीत का, जिसमें शैलेश मटियानी जी कई बार एक बड़े उपन्यास की बात करते थे कि प्रकाश मनु मुझे एक बड़ा उपन्यास लिखना है और वो उपन्यास ऐसा होगा कि जो मैंने अभी तक नहीं लिखा, यानी ऐसा उपन्यास जो मुझे चुनौती देता हो। कहते कि आप जिस बड़े उपन्यास की बात कर रहे हैं वो आप लिखते तो कैसा होता, और क्या उसे लिखने की इतनी उत्सुकता आप में है? सवाल सुनकर मटियानी जी एकाएक उत्साहित हो गए, कुछ कुछ अपने पहले वाले सुरूर में आने लगे, जवाब देना शुरू किया और एक अद्भुत इंटरव्यू शुरू हो गया। यहीं से बताने लगे, असल में मनु मेरा सोचना यह है कि अब तक जो उपन्यास मैंने लिखे हैं उनमें मुझे जूझना नहीं पड़ा, यानी ऐसा नहीं है कि वह तल्लीनता से नहीं लिखे गए, पर मेरे लिए ऐसे थे जैसे बच्चों का खेल। हद से हद 15 से 20 दिन या महीने भर में उपन्यास लिखकर मैंने सपने दे दिया। अक्सर मेरे साथ यही हुआ, पर उसके पात्र, स्थितियां, परिवेश चाहे कैसा भी हो, लेकिन मेरे लिए इस कदर चुनौती भरा नहीं था। मुझे अपनी सारी शक्ति और ऊर्जा के साथ जूझना पड़ा। मैंने आपसे शायद पहले ही कई बार कहा है मुझे एक बड़ा उपन्यास लिखना है, जिसके बारे में मेरा नजरिया यह है कि कथानक ऐसा होना चाहिए जिसमें लेखक को जूझना पड़े, बुरी तरह जूझना पड़े, तभी बड़ी रचना संभव है। और ये जूझना ऐसा है कि आप कहाँ बैठे हैं या कहाँ पड़े हैं या क्या खा पी रहे हैं, कुछ भी होश आपको न रहे। पर मेरे जिन उपन्यासों की बहुत चर्चा भी होती है या आपको भी जो पसंद है, 52 नदियों का संगम, मुठभेड़, गोपली कपूरन वगैरह, उन्हें लिखते समय भी कुछ खास जूझना पड़ा हो ऐसा नहीं लगता। बात कुछ आगे बढ़ती है और फिर कहते हैं, मनु एक बड़ा उपन्यास मुझे लिखना है, ये सपना तो मेरा बहुत पहले से था, और उसके लिए जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है अपने बहुत से कीमती अंकों में बचा कर रखता चला जा रहा था कि ये उपन्यास लिखा गया तो ये उसमें काम आएंगे। लेकिन आज तो बस एक धुंधली सी कल्पना बची हुई है, कुछ आगे चलकर बाद में यही कल्पना पक्की इरादे में बदल जाती है। उसके पीछे की घटना है जिसे आप चाहें तो घटना कह सकते हैं और नहीं भी। असल में हुआ यह है कि बरसों पहले मैं खंडवा जाने के लिए ट्रेन से सफर कर रहा था। रास्ते में किसी जगह एक प्रचंड आंधी सी आई। मनु मैं ठीक ठीक बता नहीं सकता कि वह अनुभव कैसा था। मुझे ऐसा लगा था कि यह जैसे वह आंधी पूरी की पूरी मेरे भीतर से गुजर गई, यानी बाहर एक आंधी है, एक भीतर, और दोनों की एक ही लय बन रही है। उन दिनों मैं घरेलू स्थितियों से बहुत परेशान और मरमाहत रहता था, तो शायद इसी कारण यह लगा हो कि उस आंधी का एक बड़ा हिस्सा मेरे अंदर समा गया है। ये कोई 6 वर्ष पहले की बात है। एक बड़े उपन्यास का ख्याल भी तभी आया और उसी क्षण मैंने इसका नाम रख लिया था मरुत। फिर अपने इस अनलिखे महत्वाकांक्षी उपन्यास की कथा वस्तु भी उन्होंने बताई। मोटे तौर से मरुत के केंद्र में एक परिवार की कहानी है जो अपने आंतरिक कष्टों के साथ साथ परिस्थितियों के दबाव में जी रहा है, और उसके कारण उस परिवार के सदस्यों में किस तरह का विचलन आता है, उसके प्रवाह में मनुष्य कैसे प्रवाहित होता है, ये सब मटियानी जी ने बताया और यही सब वो उपन्यास में दिखाना चाहते थे। उस परिवार में एक लड़के की हत्या हो जाती है, उसके बाद कानूनी लड़ाई शुरू होती है और वह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। देश के कानून की जो हालत है, जो अपराधी को हर तरह की छूट देने वाली और यातनाग्रस्त को यातना देने वाली, वो इसमें कई स्तरों पर खुलकर आती है। मटियानी जी के उपन्यास की इस कहानी को सुनकर लगा कि ये बहुत कुछ आत्मकथात्मक होगा। प्रकाश मनु जी ने कहा कि ये उपन्यास बहुत कुछ आत्मकथात्मक होगा। मटियानी जी ने कहा, हाँ आप कह सकते हैं, और हो सकता है कि मेरे जीवन का सारा इकट्ठा हुआ अनुभव इसमें आ जाए, यानी जो कुछ अभी तक जिन प्रसंगों को मैं नहीं लिख पाया था, जिनको मैं बचा बचा कर अनुभवों को रख रहा था, वो सारे इसमें शामिल हो सकते हैं। इस उपन्यास पर बातचीत चलती रही। इसी तरह का प्रसंग प्रकाश मनु जी को याद आता है। हंस में मटियानी जी ने अपनी आत्मकथा लिखना शुरू की थी, जिसकी कई किस्तें छपी हुई थी, जिसका नाम था बम्बई खराक पर। पाठकों ने उसे बेहद पसंद किया। मटियानी जब बम्बई में थे तो उनकी उम्र हुई कोई 20 से 22 बरस, यानी जब वो गए थे, कैसे कैसे वो बम्बई में उन्होंने अपना जीवन शुरू किया, कैसे अपने परिवार का
भरण पोषण किया हुआ है, ये सारी बातें उसमें आ रही थी। उसने बताते हैं कि जब मैं घर से चला था यानी पहाड़ से, तो मेरे दिमाग में क्या सपने थे, लेखक बनने का सपना था कि नहीं था, इसकी मुकम्मल बात तो नहीं कही जा सकती कि था ही, लेकिन बंबई चूंकि बड़ा नगर था तो कुछ न कुछ काम धाम मिल जाएगा ऐसी उम्मीद थी, कोई न कोई जुगाड़ हो जाएगा ऐसा मटियानी जी ने बताया। यही सोचकर शायद घर से निकला होऊंगा, लेकिन लेखक होने की इच्छा से घर से नहीं चला था, ये भी कैसे कहूँ। तब तक मेरी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी, लेकिन एक बात कुछ कहीं न कहीं मेरे दिमाग में पड़ी होगी कि मुझे वहां लिखने का मौका मिलेगा। तो जहां तक मेरा ख्याल है, सिर्फ काम की तलाश में भी मैं मुंबई नहीं आया था, लेखक की तरह जीने का कोई रास्ता खोजने की इच्छा भी कहीं न कहीं मन में रही होगी। मैं तो आपको बताऊं, उस समय आजीविका के लिए हर तरफ हाथ पैर मार रहा था, मिलिट्री में भर्ती होने के लिए भी गया था, यूं बस में रह गया। अगर भर्ती हो जाता तो अब नौकरी के बाद रिटायर भी हो चुका होता। लिखते हुए भी अब कोई 45-46 वर्ष हो चुके हैं। सन 50-51 के आसपास छपना शुरू हो गया था। शुरू में मटियानी जी रमेश मटियानी शैलेश के नाम से लिखते थे, फिर वे शैलेश मटियानी हुए। मुझे लगता है कि उनकी कहानी का सारा जो मर्म है रमेश मटियानी शैलेश से शैलेश मटियानी बनने में, इसलिए कि उन्होंने सिर्फ नाम ही नहीं बदला, नाम के साथ खुद को जीवन को देखने का जो समूचा नजरिया भी था वो भी उनका बदल गया। और फिर ऐसी सदी हुई भाषा में टिप्पू मलंग, अहिंसा, छाग और अर्धांगिनी से लिखी महाकाव्यात्मक कहानियां लिखी, जिनके आगे ठहर सकने वाली पूरे हिंदी साहित्य में ऐसी रचनाएं नहीं है। पर वह रमेश मटियानी शैलेश से शैलेश मटियानी हुए कब और कैसे हुए, यह खुदबुद तो उनके भीतर थी। इस खुदबुद का पता लगाने के लिए सवाल पूछा गया, उन्होंने सीधा इसका जवाब दिया। असल में पहले आपको पता ही है कि उस समय उपनाम रखने की परंपरा थी, लिखने की या रखने की परंपरा थी, लेखक अपना उपनाम रखते थे और नाम के साथ जोड़ते थे, तो शैलेश मैंने शायद इसलिए जोड़ा होगा कि इससे पहाड़ का बोध होता है। कुछ आगे चलकर रमेश मटियानी शैलेश नाम पटा लगने लगा, तो इसे सीधा कर लिया शैलेश मटियानी और तब से यही चला आता है। अब रमेश मटियानी शैलेश से शैलेश मटियानी हो चुके हैं, तो अब मैं आपको एक दूसरे किस्से की तरफ इस संस्मरण के लेकर चलता हूँ। वो है कि पहला एहसास लेखक होने का कब हुआ, वो एहसास कैसा था और कहाँ किस पत्रिका में वो पहली रचना प्रकाशित हुई। कहते हैं कि बिल्कुल शुरू की बात करें तो यानी एकदम छुटपन की जो तस्वीर मेरे ध्यान में आती है उसमें यह था कि कहानियां सुनने का मुझे बड़ा शौक था और मैं दादी से कहानियां सुना करता था। मेरे गांव में या मेरे वहां जो नगर पालिका थी वहां पर एक पुस्तकालय था जहां साहित्य किताबें आती थी, पत्रिकाएं भी आती थी, जिसमें मैंने यशपाल को पढ़ा, अश्क देवेंद्र सत्यार्थी और बहुत सारी रचनाएं मैंने वहां पढ़ी थी। इन्हीं पत्रिकाओं को पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते लिखने की इच्छा पैदा होने लगी। वहां पर एक अखबार निकलता था, लोकल अखबार था, मैंने अपनी एक कविता लिखी और वहां पर भेज दिया। संपादक महोदय ने बड़ी हिकारत अपने मित्रों से कहा था, अच्छा अब बूचड़ कसाईयों के लड़के भी कविताएं कहने लिखेंगे। बात मटियानी जी को चुप गई थी और उन्होंने तभी तय कर लिया था कि अब तो लेखक बनकर ही दिखाना है। उन्होंने लोकल पर्चे में अपनी रचनाएं भेजने के बजाय कहानियों की पत्रिका रंग महल में अपनी पहली कहानी भेज दी। रंग महल कहानियों की बहुत अच्छी न सही पर ठीक ठाक पत्रिका थी और नगर पालिका के पुस्तकालय में आया करती थी। रचना भेजने के कुछ समय बाद उन्हें पोस्टकार्ड मिला जो उनके नाम कहीं बाहर से आने वाला पहला पत्र था। उसमें उनकी रचना की स्वीकृत की सूचना थी और लिखा था कि वे इसके लिए हर महीने 2 कहानियां लिख भेजा कर, यानी एक कहानी छपने के लाले पड़े हुए थे और अब 2 कहानियों की वहां से मांग की गई। ये ऐसा पल था जिसको मटियानी जी जिंदगी में कभी नहीं भूले और जब भी कभी लेखन की बात हुई तो उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया। कहती कि अब इस पत्र को पाकर मेरी क्या हालत हुई होगी मनु, आप मुश्किल से ही कल्पना कर सकते हैं, मैं लगभग बावला हो गया था। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि यह पत्र मेरे नाम ही आया और फिर तो हालत यह
कि मैं पानी भरने जा रहा हूं, तो चुपके से निकाल कर पढ़ लिया। बाजार गया तो फिर चुपके से पढ़ लिया। जंगल गया तो फिर चुपके से निकाल कर पढ़ लिया। यहां तक कि रात को सोया तो टार्च पास रहती थी, आधी रात को उठकर फिर से पढ़ लिया। लगता था कि अक्षर कहीं उड़ तो नहीं गए। मटियानी जी के अधूरे वाक को पूरा करते मैंने कहा, सुनकर बड़ी जोर से हंसे, हाँ बिल्कुल यही हालत थी। यानी यही हालत हर रचनाकार की पहली रचना पर होती है। कहते कि वह मेरे लेखक होने का पहला एहसास था और मेरे लिए वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये तो हुई रचना छपने की बात। दूसरी बात है कि किसी रचना के छपने पर पारिश्रमिक भी मिलता है, मेहनताना भी मिलता है, इसका तो कोई ख्याल नहीं था। और तब ये सारी बातें मैं सोच भी नहीं सकता था, ऐसा कह रहे हैं मटियानी जी। रचना छप गई, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता था उस समय। पर फिर पहला पारिश्रमिक मिला तो उनकी हालत क्या हुई, ये भी जरा मटियानी जी से सुनते हैं। उन्होंने कहा कि अलबत्ता पहला पारिश्रमिक मुझे एक कहानी का मिला था 8 रुपए। उन दिनों 8 रुपए कम नहीं होते थे, फिर मेरे जैसे आदमी के लिए वो इतने ज्यादा थे कि आप समझ लीजिए, जब डाकिये ने मुझे रुपए दिए और दस्तखत करने के लिए कहा तो उत्तेजना के मारे मेरे हाथ कांप रहे थे। जो 8 रुपए डाकिये ने मुझे दिए उसमें से 1 रुपया मैंने उसे तुरंत दे दिया और 7 रुपए मेरी जेब में पड़े हुए ऐसे लग रहे थे जैसे मैंने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना हासिल कर लिया। अब मटियानी जी की जो प्रारंभिक कहानियां हैं वो इधर उधर पत्रिकाओं में छप रही थी, लेकिन अभी संग्रह के रूप में कहीं इकट्ठा नहीं हुई थी। पर ये कहानियां बड़े मन से लिखी गई थी और निसंदेह उनको प्रिय भी थी। लेकिन वे कह रहे थे कि मेरे पास अगर वो आज कहानियां होती तो मैं उन्हें किसी संग्रह में जरूर शामिल करता। यानी पहले जो प्रारंभिक दौर की जो कहानियां हैं वो कहां गई, इसकी जानकारी उन्हें खुद भी नहीं थी। इसके आगे मैं एक और प्रसंग आपको सुनाता हूँ। वो है एक रचनाकार का, एक लेखक का जो संघर्ष है वो क्या है, और उस संघर्ष को जब मटियानी जी के संदर्भ में देखना हो तो बात थोड़ा सा अलग हो जाती है। ये बात उन दिनों की है जब सारिका पत्रिका में गर्दिश के दिन का स्तंभ शुरू हुआ था। उसमें एक से बढ़कर एक रचनाकारों के उन दिनों की कहानियां छप रही थी और पाठकों में बहुत लोकप्रिय हो रही थी। इसी स्तंभ में शैलेश मटियानी जी का छपा हुआ था, जिनमें उन्होंने अपने उन दिनों को लेकर के कोई कोसा नहीं था, उसको बुरा भला बुरा नहीं कहा था, किसी पर आरोप नहीं लगाया था, बल्कि एक तरह से उन बुरे दिनों को लेकर के कृतज्ञता प्रकट की थी। जब बात चली तो उन्होंने बहुत आत्मीयता के साथ कहा, ये बात तय थी और कम से कम मेरे मन में यह बात पक्के तौर से बस गई है कि अगर मैंने इतने अपमान और तकलीफें न झेली होती तो जो कुछ मैं लिख पाया न लिख पाता, या जिस कद का लेखक मैं बना न बन पाता। इसलिए उन दुखों और कष्टों के लिए मन में घृणा का भाव होने का तो सवाल ही नहीं। और दूसरी बात यह कि चाहे मुझे एक से एक खराब स्थितियां झेलनी पड़ी हों, लेकिन तो भी इतना तय है कि मुझे उन गरीब असहाय भूखे लोगों में, यहाँ तक कि भिखारियों और कंगले लोगों तक में एक से एक अच्छे लोग मिले कि मेरा मन अब भी उनके प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ है और जीवन भर भरा रहेगा। उन मेरे कुचेले लोगों, बूढ़ियों और भिखारियों में मुझे जो मनुष्यता नजर आई वो आज के सभ्य और शालीन लोगों में शायद ही कहीं देखने को मिली। इसके बाद वो एक अल्मोड़े की घटना का जिक्र करते हैं। तो कहते हैं कि उन दिनों में एक कसाई की दुकान पर कीमा काटने का काम किया करता था, कविताएं लिखना भी शुरू कर दिया था और वह जहां तहां छपने भी लग गई थी। तो बात उन्हीं दिनों की है, शाम का समय था, मैं कीमा काटने के काम में लगा हुआ था। इतने में ही 2-3 लोग सड़क पर गुजरते हुए दिखाई पड़े। उनमें से एक ने मेरी ओर देखते हुए व्यंग से कहा, देखो सरस्वती का कीमा काट रहा है, और ऐसा कहकर उसने सड़क के किनारे थूक दिया। मेरे हाथ वहीं रुक गए और मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं ऐसा कहने वाले आदमी की छाती में चाकू घूम दूं। तब मैं कसाई की दुकान पर काम करने के साथ साथ 9वीं क्लास में पढ़ता था और कविताएं भी लिखने लगा था। भाव बहुत था, मुझे अब भी याद है कि उस रात में दीवार से सिर पटक पटक कर रोता रहा था और मन ही मन एक प्रार्थना कर रहा था कि हे सरस्वती माँ, तुम मुझे चाहे कितने ही कष्ट दे देना पर मुझे लेखक जरूर बनाना। एक क्षण के बाद
निस्तब्धता छा जाती है, यानी कोई बात मटियानी जी कह नहीं पाते। फिर कहते हैं, आज ये बात किसी को अजीब लग सकती है, पर मैं सचमुच इतना ही भावुक था, इसीलिए कष्टों से मैं घबराता नहीं। आज भी कहीं न कहीं ये बात मेरे भीतर बैठी हुई है कि कोई लेखक जितने कष्ट सहता है उतना ही बड़ा उसका लेखन होता है, और ये भी शायद नियत का कोई चमत्कार ही है कि कष्ट मुझ पर कितने ही आए हों, रास्ता भी कोई न कोई हमेशा निकलता ही गया। यहाँ तक कि ऐसा भी हुआ कि घर में दाने नहीं है, पूरे परिवार की भूखों मरने की नौबत आ गई है, फिर भी कहीं न कहीं से कुछ हुआ और गाड़ी चली गई। ये बात अलग है कि आखिरी कुछ वर्षों में ही यह क्रम लड़खड़ाया और मेरे मानसिक कष्ट की शुरुआत भी तभी से हुई। इसके बाद मैं आपको सुनाता हूँ कि एक रचनाकार के कहानीकार का कहानी लिखने के लिए मूड का मतलब क्या होता है। प्रकाश मनु जी पूछते हैं, कहानियां या उपन्यास लिखने का उनका मूड कैसे बनता है? क्योंकि आपने सुने होंगे किससे कुछ कहानीकार या आलोचक कहते हैं कि मैं कुछ रसपान करने के बाद मैं उस मूड में आता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं किसी जब एकांत एकदम शांत जगह पर होता हूँ तब मेरा मूड बनता है। अमृतलाल नागर कहते थे कि मैं विजया भवानी का लेने के बाद मेरे दिमाग में सारी बातें चलने लगती हैं और मैं दोस्तों के साथ बातचीत करने के बाद उस कथानक के साथ मैं गहरे उतरने लगता हूँ। कई बार लोग यात्राएं करते हैं, लेकिन मटियानी जी को सुनते कि वो क्या कहते हैं। कहते कि देखिए, ज्यादातर तो मैं अपनी कहानियों का एक ही ड्राफ्ट लिखता हूँ, दूसरा ड्राफ्ट बनाने की मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, और आपको आश्चर्य होगा मेरी ज्यादातर कहानियां एक या दो बैठकों में ही पूरी हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा कोई कहानी जो दो या तीन सिटिंग चलती है, लेकिन यह भी कम, बहुत कम होता है। वरना तो मेरी ज्यादातर कहानियां एक ही सिटिंग में लिखी गई हैं, और लिखते से मनु आपने भी महसूस किया हो, और मैंने तो अनेक बार महसूस किया है कि बिल्कुल शास्त्रीय संगीत की तरह कहानियों की भी एक ऐसी लय सी बन जाती है और शब्द खुद ब खुद उस लय से ढलते चले जाते हैं कि फिर आप कहानी नहीं लिखते, जैसे कोई और ही है जो आपसे लिखवाता चल रहा है। कई बार तो ये भी हुआ कि पड़ोस में कहीं जागरण है, रात भर शोर मच रहा है, या फिर बच्चों की चिल्लपों, आने वालों की व्यस्तता, लेकिन इन सब के बावजूद मैं लिखता रह सकता हूँ। बस शर्त ये है कि मेरा चित्त शांत होना चाहिए। चित्त में शांति हो तो मैं घोर अशांति और दारिद्र में भी, जहां मामूली सा एकांत या शांति भी न हो और घर में कल के लिए आटा तक न हो, मैं लिखता रह सकता हूँ। अब अर्धांगिनी कहानी को लो, जो मूलतः पारिवारिक प्रेम की कहानी है, इसकी लय संगीतात्मकता को लोगों ने खूब पसंद किया। लेकिन आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में मैं मुकदमा हार गया था, उस दुख और तनाव से मुक्ति पाने के लिए मैंने यह कहानी लिखी थी। आश्चर्य है कि इसकी छाया तक कहानी पर कहीं दिखाई नहीं पड़ती। उन्होंने ये भी कहा, ज्यादातर तो मैं अपनी रचनाओं में काट छांट नहीं करता, पहली बार मैं जो बना वही छपने भेजता हूँ, पर यही बात कहानियों में ही नहीं उपन्यास में भी लागू होती। उनका भी मैं एक ही ड्राफ्ट तैयार करता हूँ और वही मेरा पहला और अंतिम ड्राफ्ट होता है। पर कई बार ऐसा भी हुआ कि बरसों बाद मैंने अपनी रचनाओं में संशोधन किया है। मटियानी जी की एक बात मैं और आपसे साझा करता हूँ, वो है वैचारिक असहमतियों की। क्योंकि हिंदी साहित्य के बारे में लोगों की जो धारणाएं हैं, उसमें सबके अपने अपने संघ बने हुए हैं, या ये यूं कहें कि सबके अपने अपने संगठन बने हुए हैं, और उन संगठनों के अपने अपने प्रिय लेखक हैं। तो ऐसे में जो लेखक किसी संगठन का सदस्य नहीं होता है या उसकी राय अलग होती है, तो उनके साथ क्या सलूक आलोचक और समीक्षक करते हैं, इनको भी जानना जरूरी है। कहते हैं कि हिंदी के लेखक और साहित्यकार वैचारिक असहमतियों का बुरा मानते हैं, और न सिर्फ बुरा मानते हैं बल्कि व्यक्तिगत आक्षेपों पर उतर आते हैं। चुपके चुपके पीछे से षड्यंत्र करना, बदला लेना या तबाह कर देने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बहुत करुण लहजे में कहा, मुझे इस तरह के बहुत बुरे अनुभव हैं, और इसी कारण मैं कहता हूँ कि हिंदी में ज्यादातर छोटे कद के लेखक हैं, जो बड़ी रचना कर ही नहीं सकते, बड़ा विचार भी नहीं दे सकते। कहते हैं कि अगर मुझे पाठकों का इतना ज्यादा प्यार न मिला होता तो मैं आज शायद जीवित न होता। मेरे पाठक न जाने कहाँ कहाँ से मुझे मिले और किस किस तरह से भाव विभोर होकर अपनी भावनाएं मुझ तक पहुँचाई, मैं आपको बता नहीं सकता। इतने लोगों के पत्र, इतने प्रशंसात्मक पत्र आते हैं कि मैं चाह कर भी उनका संग्रह नहीं कर सका। अधिकांश पत्र तो मैंने फाड़ ही दिए हैं, लेकिन जो बचे हैं उन्हीं को संभालना बहुत मुश्किल है।
यानी पाठकों का बेशुमार प्यार मिला, पाठक मिले और उनका सहयोग मिला, लेकिन हिंदी समाज को जो जिस तरह का भाव, जिस तरह की कृतज्ञता रखनी चाहिए थी, उस तरह का नहीं रखा। मडयानी कहते हैं कि लेखक के हिस्से से यह विश्वास कहीं मेरे भीतर है कि अगर आप कोई बेईमानी नहीं कर रहे हैं और रचना के पीछे आपके सच्चे और ईमानदार अनुभव हैं, तो आपको दबाया नहीं जा सकता। भले ही आलोचक समीक्षक आपकी रचनाओं का उल्लेख करें या न करें, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। इस बातचीत के बाद मटियानी जी के होठों पर मुस्कान लौट आती है और मटियानी जी अब के व्यक्तित्व में अपनी पुरानी चमक और जो कड़कपन था वो दिखाई पड़ने लगता है। इस तरह से एक बड़े व्यक्तित्व के साथ जो जुड़ाव प्रकाश मनु जी का रहा, जो कुछ इंटरव्यू की बातें हुई, ये जो रोजमर्रा की बातें हुई, उनसे पता चलता है कि शैलेश मटियानी जी का कद हमारे साहित्य में कितना बड़ा है। दोस्तों, ये बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस बात को आप अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, क्योंकि मटियानी जी को लेकर के जो धारणाएं बनी हुई हैं उनको सही संदर्भ में समझना और जानना जरूरी है।